बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ये। थोड़ी शांति चाहूंगा। नानी बाई का मायरा, नरसी का भात, भक्ति के इतिहास का वो पन्ना जिसके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि जब जब दुनिया में भगवान की कथा कही जाती है तो जजमान की भूमिका भक्त निभाता है, लेकिन ये संतों का कहना है कि जब जब कहीं भगत की कथा कही जाती है तो ठाकुर खुद आप भक्तों के बीच में बैठा हुआ मुख्य जजमान के रूप में अपने भगत की कथा को सुनता है। भक्ति की साधना जब अपनी परम प्रकाष्ठा पे पहुंचती है तो भगत दाता हो जाता है, भगवान याचक हो जाते हैं। इसके एक नहीं अनगिनत उदाहरण हैं। नानी बाई का मायरा, नरसी का भात समर्पित कर रहा हूं। ये बात जूनागढ़ गुजरात से प्रारंभ होती है। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ, औलाद के नाम पर एक बच्ची बची नानी बाई। एक बार नरसी की पत्नी ने नरसी से कह दिया कि काश अपना कोई बेटा होता तो बेटी के ब्याह के बाद सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी ने कहा, री बावली क्यों घबराती है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं रे, वो बंसरी वाला मेरे बेटे के जैसा ही तो है। एक रिश्ता नरसी ने जोड़ा ठाकुर के साथ, जिस रिश्ते को निभाने के लिए खुद मेरे बंसरी वाले को चल करके आना पड़ा। नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी बाई का ब्याह किया उस दिन ये निश्चय कर लिया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा बंसरी वाला है। और नरसी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बेटी के ब्याह के बाद अपनी दौलत की एक एक पाई उन दीन दुखियों जरूरतमंद गरीबों में उस बंसरी वाले के नाम से बांट दी। एक समय ऐसा आ गया जब नरसी के पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं। नरसी गांव में भजन कीर्तन करते जो कोई श्रद्धा के साथ कुछ भी देता खा करके गुजारा कर लेते। उसी जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली आई जो द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए द्वारिका जी जा रही थी। उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर के लोगों से पूछा कि इस गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है। गांव वालों ने पूछा, बात क्या है। टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए द्वारिका जी जा रहे हैं, हमारे पास 600 स्वर्ण मुद्राएं हैं, रस्ते में चोर डाकुओं का भय है, हम चाहते हैं कोई सेठ हमसे ये रकम ले ले और हमें एक हुंडी लिख दे जिससे हमको इतनी रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का अपमान करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए कह दिया कि हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ उसकी हुंडी चलती है, बहुत बड़ा भगत बना फिरता है, हुंडी लिखने से इनकार करे तो जबरदस्ती पैसे देना और हुंडी लिखवा लेना। भगत पहुंचे नरसी के पास। नरसी 4 दिनों के भूखे थे, 4 दिनों से घर में भोजन नहीं मिला। टोली के मुखिया ने हाथ जोड़ के पूछा, भाई आप में से नरसी सेठ कौन है। नरसी खड़े हो गए, कहने लगे, सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हो, हुक्म करो। भक्तों ने कहा, ये रकम रख लो,
हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं, हमें एक हुंडी लिख दो। नरसी ने कहा मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा सेठ बहाने मत करो, हुंडी तो लिखनी पड़ेगी। जबरन वो रकम नरसी को सौंप दी गई। नरसी ने सोचा शायद उस बंसरी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है, ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए स्वयं ठाकुर ने भेजी है। नरसी ने वो रकम रख ली, विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिख दी। कहा जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी, द्वारिका के बाजारों में घूमते सुबह से शाम हो गई, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी स्वीकार करता। भक्तों ने सोचा हम ठगे गए, रकम चली गई, चलो कम से कम दर्शन तो कर लो, शाम का समय है, ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं भगत। अचानक मंदिर के प्रांगण में एक सांवरा सलोना युवक प्रवेश करता है, एक एक करके लोगों से पूछता है भाई आप में से कौन से भगत ऐसे हैं जो जूनागढ़ से आए हैं, जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं। हुंडी शब्द सुना जान में जान आई, जेब से हुंडी का पर्चा निकाल करके सौंपा और उस सांवरे सलोने युवक ने उतनी रकम निकाली, गिन करके भक्तों के हाथ में और कहा जाकर के उस नरसी से कहना ऐसी हुंडियां रोज लिखा करे, मैं यहां बैठ करके स्वीकारने को तैयार हूं। उसी नरसी की बेटी नानी बाई के घर बेटी का ब्याह। नानी बाई के ससुराल वालों ने कहा रे नानी तेरा बाप भिखारी है, तेरा तो कोई भाई भी नहीं जो भात भरने आए, एक भिखारी बाप भात में क्या लाएगा, हम तो तेरे बाबूल के पास निमंत्रण ही नहीं भेजेंगे। नानी ने ससुराल वालों के पांव पकड़ लिए कि मेरे गरीब बाप के पास निमंत्रण तो भेजा जाए, मेरा बाबा जो कुछ भी बन पड़ेगा लेकर के जरूर आएगा। ससुराल वालों ने चाल चली कि नरसी के पास निमंत्रण भेज दो, लेकिन भात के सामान की लिस्ट इतनी लंबी कर दो कि गरीब नरसी पढ़कर के आने का साहस ना कर सके। निमंत्रण पत्र पहुंचा नरसी के पास, नरसी ने खोल करके भी नहीं देखा, इस उम्मीद में इस भरोसे में कि मैं गरीब बाप ऐसे कैसे जाऊंगा, अरे मेरी बेटी का बाप, मेरी बेटी का भात तो स्वयं बंसरी वाले ने भरना है। ये सोच करके नरसी ने वो चिट्ठी वो निमंत्रण पत्र सीधा द्वारिकाधीश के चरणों में द्वारिका जी भिजवा दिया कि तू जाने तेरा काम जाने। एक गरीब बाप टूटी बैलगाड़ी पे गाने बजाने वालों की टोली के साथ बूढ़े बीमार बैलों को लेकर के अपनी बेटी के दरवाजे जा पहुंचा। बाबा के आने की बात सुनकर के नानी दौड़ी दौड़ी बाहर आई, भात का सामान नजर नहीं आया। नानी रोने लगी, बाबा मेरे इज्जत का ख्याल नहीं किया, मेरे भात का सामान कहाँ है। नानी रो रही है, नरसी दिलासा दे रहे हैं, ये भरोसा नरसी का है, ये विश्वास नरसी का है। हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार, हो नानी बाई ने नरसी समझावे बार बार,
वल वी रोला सी माए रो हो भाई तेरो सावल वी रोला सी माए रो हो बेटी तेरो सावल वी रोला सी माए रो हो नानी बाई ने नरसी समे छावे बार बार क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे धीरज क्यों छोड़े बेटी क्यों घबरावे राख भरोसो तेरो सावल शाह भरोसा नरसी का है। नरसी ने कहा बेटी घबरा मत, अकेला नहीं आएगा, मुझे यकीन है तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी तेरी भौजाई भामा रुक्मण भी आसी जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो लासी जो कुछ लिखवाई चीजा सगली वो लासी क्योंकि हमने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास मैंने सगा की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास तेरे घर से जो चिट्ठी आई मैंने अपने पास नहीं रखी बेटी मैंने समधी की चिट्ठी भेजी सांवरिये के पास सांवल वी रोला सी माए रो हो भाई तेरो सांवल वी रोला सी माए रो नरसी बोले सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी सांवरियो है मारो सुख दुख को साथी गाड़ी आयो बन करके खाती टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाते अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे रूप बनाते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां ही सुनई बहुविध सब संता मेरे ठाकुर की कृपा के अनगिनत उदाहरण अपने भक्तों की खातिर क्या से क्या बन जाते हैं गौर करना नरसी की टूटी बैलगाड़ी रास्ते में फंस गई मेरा सामरा वेश बदल करके गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ तीन लोगों के मालिक ने स्वयं अपने भगत की फंसी हुई गाड़ी बाहर निकाली सीधे रास्ते पर डाल दी और जब गाड़ी सीधे रास्ते पर पड़ गई तो मेरा सामरा हाथ जोड़ के नरसी के सामने खड़ा हो गया कन्हैया कह रहे हैं भगत जी कहां जा रहे हो कन्हैया नरसी से कह रहे हैं कि भगत जी कहां जा रहे हो क्या आप अंजार शहर जा रहे हो तो हमको भी बिठा लो हमने भी किसी शादी में जाना है किसी ब्याह में जाना है नरसी की आंखों में आंसू आ गए नरसी ने कहा मेरा उपहास उड़ाते हो देखते नहीं बैलगाड़ी टूटी है बैल मर रहे हैं हमारा बोझा तो उठता नहीं आपको कहां बिठा ले तो मेरे मुरली वाले ने हाथ जोड़ लिए
और नरसी से कहने लगे कि भगत जी मेरा नाम कृष्णा है, कृष्णा मैं जात का खाती हूं बढ़ी, कृष्णा खाती नाम मेरो नगर अंजार ने जाना से, आप हुक्म करो तो मिनटों में आपकी गाड़ी भी ठीक कर दूं। नरसी की आंखों में आंसू आ गए। नरसी ने कहा मेरी जेब में मजदूरी देने के लिए धेला भी नहीं, गाड़ी ठीक कैसे करवाऊं। तो कन्हैया बोले कि भगत जी मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि आपकी गाड़ी तो ठीक करूंगा लेकिन ठीक करने के बाद हांकूंगा भी मैं, और जब मैं गाड़ी हांक रहा हूं तो इतने सुंदर भजन गा रहे थे एक कोने में बैठ जाना, मुझे भी दो चार भजन सुना देना, मेरा रास्ता भी कट जाएगा, मुझे मजदूरी भी मिल जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। ये है भजनों की कीमत। जागरण कोई मनोरंजन नहीं है, दो भजन अगर भाव से गाए जाएं तो ठाकुर आपके दरवाजे पर पहुंच के भी सुन करके आएगा। तीन लोगों के मालिक ने स्वयं अपने भगत की गाड़ी संवारी, मिनटों में गाड़ी ठीक ठाक नजर आने लगी, बैलों पे हाथ फेरा बैल भी ठीक ठाक दिखने लगे, खुद मेरा मुरली वाला गाड़ी का हाकणिया बन के बैठ गया, और जिसकी गाड़ी सांवरा हाके वो मंजिल तक कैसे ना पहुंचे। कन्हैया गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसी एक कोने में बैठ के बड़े ठाट से भजन सुना रहे हैं, कह रहे हैं मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनारी, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बोलिए हाथ ऊपर करके, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाथों को ऊपर करके बोलना, सारे बोलेंगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जाके मस तक मुकुट विराजे, जाके मस्तक मुकुट विराजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, कानन में कुंडल छवि छाजे, चंदा सा मुखड़ा, चंदा सा मुखड़ा नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, पूछे आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात जाना है, आज भगत भगवान से पूछे मीठी मीठी बात जाना है, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, ओ पापा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, ऊपर करके बोलना तू जाने तेरा काम जाने, 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 ओ पापा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने है तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। मिनटों में गाड़ी अंजार शहर जा पहुंची। सांवरा गांव के बाहर उतर गया,
नरसी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी घबरा मत, यही कहीं होगा, आता होगा, क्योंकि सांवरी यो है मारो सुख दुख को साथी, सांवरी यो है मारो सुख दुख को साथी, टूटी जब गाड़ी आयो बन करके खाती, टूटी जद गाड़ी आयो बन करके खाती, रिया में मौके पे आटो जो कोई अपनो हो खास आवे, मौके पे आटो जो कोई अपनो का, सावल वीरो लासी माए रो भाई तेरो, सावल वीरो लासी माए रो। नरसी ने नानी को बहुत समझाया, सुनना, लेकिन एक बेटी का धीरज टूट गया। कब? जब नानी बाई के ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों को तो महल और हवेलियों में टिकाया, लेकिन उस गरीब बेटी के बाप को जहां गाय बैल बांधे जाते हैं उस तबेले में जगह मिली। नानी का कलेजा छलनी हो गया जब नानी ने देखा कि उसके ससुराल वालों ने अपने रिश्तेदारों के लिए मेवे पकवान मिठाइयां भेजी खाने को, लेकिन उसके गरीब बाप को शादी ब्याह के घर की जूठन इकट्ठी करके भेज दी। अपने बाबुल के लिए जूठन जाती देख नानी का कलेजा छलनी हो गया। नानी बाई ने आत्महत्या का इरादा कर लिया। सब कहते हैं सरवरीय कह तीर खड़ी यो नानी नीर बहा में, माँ का जाया वीर बिना कुण भात भरन न आवे, एक दिन मारो भोलो बाबुल अरब पति कहलायो थो, अनधन रा भंडार घनी रा छोर नहीं कोई पायो थो, अनगिनती के नौकर चाकर याद मने जत आवे है, सरवरीय कह तीर खड़ी यो नानी नीर बहा में, लेकिन नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा। तबेले में थोड़ी सी जगह साफ कर रखी है, लड्डू गोपाल की मूर्ति साथ में है, अपने साथियों के साथ नरसी अभी भी भगवत भजन में लीन है। कह रहे हैं क्या, ओ जी ओमी जाजी मारा सांवरिया, ओ जी ओमी कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें एक नजर देखना है। नरसी की करुण पुकार मेरे बंसरी वाले के कानों तक जा पहुंची। आत्महत्या के इरादे से खड़ी नानी गांव के भीतर आने वाले रास्ते पर निगाह पड़ी तो देखती है बैलगाड़ियों पर बैलगाड़ियां आ रही हैं, उन पर कुछ लदा हुआ है। नानी ने सोचा कौन आ गया, कहीं मेरे बाबा की बात सच तो नहीं हो गई, चल करके देखूं आखिर आया कौन है। नानी ने आत्महत्या का इरादा त्यागा, गांव के भीतर पहुंची, किसी गांव वाले से पूछा, बाबा ये गांव में कौन आया है। गांव वाले ने कहा, बेटी एक बहुत बड़ा सेठ आया है गांव में, अपना नाम सांवरा सेठ,
बतलाता है। अकेला नहीं है, बड़ी सुंदर सी दो सेठानियां भी साथ में है। बोल सच्चे दरबार में जय। गांव वाले ने कहा बेटी बाकी सारी बातें तो ठीक लगी, इतना बड़ा सेठ है, सुंदर सी सेठानियां हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब बात कर रहा था। गांव वाले ने नानी से कहा कि बेटी वो सेठ एक अजीब बात करता था, कहता था मैं सेठ तो बहुत बड़ा हूं लेकिन मैं तो नरसी का पुराना मुनीब था। यह है मेरे ठाकुर का चरित्र चित्रण, ये दासों के दास है। ये बात मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत गीता में मेरे कन्हैया ने अर्जुन से कही है कि अर्जुन मैं दासों का दास हूं, जो हरि की सेवा करते हैं उनकी सेवा मैं करता हूं। जितने भी अवतार हैं सबने ये बात साफ साफ कही है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये मेरी कहा है कि मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा, और जो मोको परमेश्वर उचर है सो सब नरक कुंड ऊपर है। मेरे बंसरी वाले ने भी ये बात कही है कि मैं तो दासों का भी दास हूं, जो हरि की सेवा करते हैं उनकी सेवा मैं करता हूं, जो हरि किया गुणगान करते हैं उनके काम मैं करता हूं। एक नहीं अनगिनत उदाहरण है, कहीं तो गाड़ी बनाने के लिए खाती बन गए, है ना दासों के दास, सिर्फ दो भजन सुनने के लिए गाड़ी भी हाकी, और आज गांव में आकर के कह रहे हैं कि मैं तो नरसी का पुराना मुनीब था, अपने सेठ की एक बकाया हुंडी छुड़ा करके लाया हूं। मैंने सुना है मेरे सेठ की बेटी के घर बेटी की शादी है तो उस रकम के बदले भात का सामान लाया हूं। इस दृश्य की कल्पना करना। गांव वाले ने नानी से कहा बेटी जाओ, मैंने उस सेठ को तुम्हारे पिता के पास भेज दिया है। कन्हैया पहुंच गए हैं तबेले में, तबेले के दृश्य को देख करके सांवरा भी हैरान है कि नरसी ने भगवान का दामन अभी भी नहीं छोड़ा। लड्डू गोपाल सामने हैं, सब कुछ लुटाने के बाद भी नरसी कह रहे हैं सेठ बड़े तुम सांवरा निर्धन कंगाल, सेठ बड़े तुम सांवरा निर्धन कंगाल, जोड़ी हमारी तुम्हारी बन के रहेगी मिसाल, ओ, 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 ओ बन के रहेगी मिसाल। मेरे मुरली वाले की आंखों में भी आंसू आ गए कि जिसने अपनी दौलत की एक एक पाई मुझ पर लुटा दी, भाव तो देखो। मेरे कन्हैया की आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि यह मुलाकात भगत और भगवान की नहीं है, यह मुलाकात एक बाप और बेटे की है। जिस रिश्ते को नरसी ने जोड़ा है निभाने के लिए खुद कन्हैया चल करके आए हैं। जब नरसी ने कहा सेठ बड़े तुम सांवरा मैं निर्धन कंगाल, तो मेरे मुरली वाले की आंखों में भी आंसू आ गए और मेरे कन्हैया ने एक बेटे की तरह नरसी को दोनों हाथ जोड़ करके आवाज लगाई कि बाबा मैं आ गया, बाबा मैं आ गया। और जब बाबा शब्द नरसी के कानों में पड़े ना तो आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन आंसुओं में बेटे के प्रति सम्मान तो था लेकिन शिकायत भी थी। जब कन्हैया ने कहा बाबा मैं आ गया तो नरसी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और बोले हो इतनी देर लगाई क्यों, 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 नानी भी तेरे पहना ला गया याद ना क्यों, नानी भी तेरी बहना ला गए याद ना आई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों, हो इतनी देर लगाई क्यों। कान्हा आए तेरी
से आए कान्हा आए तेरी से आए तो काहे को आए बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई नरसी बोले कि बिन माँ की बेटी बड़ी लजाई मरने गई थी वो मर भी न पाई जा कन्हैया जा रे जा उठा के ले जा तू अपनी गठरी अब तेरी मेरी खाए ना पटरी कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए देरी से आने का कारण बताए कहने लगे बाबा देर नहीं हुई आपको गांव के बाहर छोड़ा भामा रुक्मणी को लेने चला गया क्योंकि ये दोनों कहती थी ननद के घर सुख दुख हो भाभियां ना पहुंचे तो अच्छी बात नहीं होती मेरे नौजवान भाई बैठे हैं मेरी एक गांठ बांध ले बात को कि जिस दिन सुख या दुख में बेटी के दरवाजे पर भैया और भाभी पहुंचते हैं ना उस बेटी का कलेजा चौड़ा हो जाता है ये सोच करके कि मेरे बुजुर्ग बाप के बाद अब मेरा एक और बाबुल तैयार हो गया मेरी सुध लेने वाला ये बेटियां बोझ नहीं होती अपनी किस्मत का लेकर के पैदा होती हैं माँ बाप जिसके पल्ले बांधते हैं बंध करके चली जाती है घर से विदा होती हुई बेटी अपने सुख की चिंता नहीं करती कहती बाबुल राजा मैं चाहे जैसी रहूं लेकिन जिस आंगन में खेली वो आंगन खुशियों से खाली ना हो मेरे भैया भाभी की गोद सदा खुशियों से भरी रहे ये आशीर्वाद सिर्फ बेटियां देती हैं घर से विदा होती बेटी घर के आंगन में चावल के दाने फेंकती हुई जाती है ये कहती हुई साडा चिड़ियां दा चंबावे बबुल असा उठ जाना साडा चिड़ियां दा चंबावे बबुल असा उठ जाना साडी लंबी समाज में संजय भैया पिता का रोल एक चट्टान की तरह होता है पिता को एक चट्टान का दर्जा दिया गया है जो परिवार पर हाई हर एक मुसीबत को झेल लेता है लेकिन आंख से आंसू नहीं गिराता लेकिन मैं तो ये कहता हूं इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बाप हो जिसने बेटी घर से विदा करी हो और आंख से आंसू ना निकले हो बेटियों को हर युग में अपने पिता से शिकायत है किसी भी युग में बेटी कहती है बाबुल राजा तेरे 10 बेटे हो उनकी चिंता नहीं होती तुझे एक बेटी चिंता का कारण बन जाती है तेरे लिए और बेटी कहती है क्या काहे को ब्याह ही विदेश काहे को ब्याह ही विदेश हो लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याह ही विदेश हो लखिया बाबुल मोरे काहे को ब्याह ही विदेश मैं तो बाबुल तेरे खूंटे की गैया मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया मैं तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया चित बांधे बंध जाऊं रे काहे को ब्याह ही विदेश को लगिया बाबुल
गोरे काहे को ब्याह ही दे। भैया को दीन हो महल तू महला, 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 बेटी को दीन हो परदेश रे काहे को ब्याह ही मिले। हो लखिया बाबुल गोरे काहे को ब्याह ही मिले। प्रेमियों बेटी देवी का चित्र होती है, वो पूजनीय पवित्र होती है, माँ बाप जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। थोड़ा विषय को परिवर्तित कर रहा हूं, 5 मिनट का समय और, कि हमारे देश में हमारे धर्म में जहां कन्या मां भगवती के रूप में पूजी जाती हो, आज उस देश की विडंबना है, उसका दुर्भाग्य है कि जहां बेटियां भगवती के रूप में पूजी जाती हो, आज वहां कन्याओं को जन्म लेने से रोका जा रहा है, बेटियां कोख में मारी जा रही हैं। मेरी इतनी माताएं बहनें यहां दरबार में मौजूद हैं, एक सवाल आपके पास है, घर जाके सालों करना सोचना कि कोख में पल रही भगवती रूपी कन्या को मार के हम उस भगवती के दरवाजे पर किस मुंह से बेटा मांगने जाते हैं, क्या यह संभव है? कतई संभव नहीं। कोख में बच्ची जब मरती है तो हाथ जोड़ के रो के कहती होगी अपनी मां से कि मां मत मारो मेरी मां, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मैं भी तेरे जैसी हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो। क्यों? मैं मर गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगी, मर गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगे। और सोच, दुनिया की सारी माताएं तेरी जैसी निष्ठुर हो जाएं तो क्या होगा, तू भाई भी पैदा कर लेगी तो क्या होगा, मेरी जैसी मार दी जाए बहू कहां से लाओगी, मेरी जैसी मार दी जाए बहू कहां से लाओगे। और कब तक ढोंग करोगी नवरात्रों में, सोच, नवरात्रों में कन्या पूजन कौन समूह ले जाओगी, नवरात्रों में कन्या पूजन कौन समूह ले जाओगी, मैं भी तेरे जैसी हूँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो। पुरुष प्रधान समाज, बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां, मगर पढ़ाए जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, मगर कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती हैं बेटियां। ये बेटियां बोझ नहीं। एक बात कहकर के जा रहा हूं, सरकारी आंकड़े हरियाणा और पंजाब को सबसे बुरा मान रहे हैं आज, जहां भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा है, जहां बेटियों का दर जन्म दर बहुत कम है। इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं,
मैं बार बार ये बात कह करके जाता हूं कि ये जागरण, ये बाबा का दरबार तब सफल होगा। मैं आपको, अपने आप को तब जागरण के काबिल मानूंगा, जागृत हुआ मानूंगा, जब आपके हमारे समाज में से कोई भी एक बच्ची कोख में मरने से बचा ली जाए। एक भी बच्ची अगर कोख में मरने से बच जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे बाबा का आशीर्वाद आपके घर आपके साथ चला जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जिस घर में एक भी बेटी बिना दहेज के शादी के आ जाए तो सोचना मेरा बाबा शाम उसके दरवाजे पर स्वयं बैठा है और 56 करोड़ के हीरे मोती लुटा रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। आज कन्हैया को डांट पड़ने लगी है, नरसी डांट रहे हैं कि जा कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए, बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, मरने गई थी वो मर भी न पाई। जा कन्हैया जा, उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। कहने लगे भामा रुक्मण को लेने गया। और आज देखिए, कल्पना करिए कि जिस नानी के कोई भाई नहीं है, मेरा बंसरी वाला भाई बन के आया है, 56 करोड़ के हीरे मोती सांवरा साथ में लाया है। और जब नरसी कन्हैया को डांटने लगे तो नानी हाथ जोड़ करके अपने पिता के सामने खड़ी हो गई एक अच्छी बहन की तरह। कहने लगी बाबा एक बात बताओ, मेरा भाई किसके दरवाजे पर आया है? नरसी ने कहा बेटी तेरे। तो नानी ने बोला पहली बार मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आया है, अगर देरी से आया है तो झगड़ा तो भाई बहन को करना चाहिए, आप बीच में क्यों बोलते हो? चलो भात का मुहूर्त बीत जाएगा। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा बंसरी वाला भाई बन के आया है, 56 करोड़ के हीरे मोती लाया है, मायरे की चुनरी भामा रुक्मण जैसी भाभियां सजा रही हैं, आगे आगे नानी, पीछे पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो ताने मारते थे, आज कौन आया है? आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, अज नाचे नानी भाई, अज नाचे नानी भाई। जरा हाथ ऊपर करिए भात भरने चलते नानी का, ताली बजा करके। आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। वो है अलबेला मदनेनो वाला, वो है अलबेला मदनेनो वाला, जिसकी दीवानी रज की हर वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। ऐसे नहीं, जितने भी भगत दरबार में हाथ ऊपर करने, भात भरने नानी का चलना है, और तालियां बजा के कहना, अरे वो है अलबेला मदनेनो वाला, वो है अलबेला मदनेनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरा आयो रे धर्म को भाई, अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को, आयो आयो रे धर्म को भाई। प्रेमियों, भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंच गए, लेकिन कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा है। गरीब बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? ये भी हमारे समाज की उल्टी रीत।
हम कन्यादान सबसे बड़ा दान मानते हैं, लेकिन कन्यादान देने वाले को बड़ा नहीं मानते। हमारी उल्टी सोच, बेटे का बाप बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर के अकड़ के बात करता है, कहता है कन्यादान तो चाहिए, लेकिन लगाओगे क्या, संबंध कितने में फाइनल किया जाए। लानत है ऐसे बाप पर जिसने बेटा पैदा किया और बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर के रकम की मांग कर रहा है, लगाओगे क्या। इससे अच्छा होता बेटे को बिग बाजार में खड़ा कर देते, डिस्काउंट में बिक जाता, जो रकम अच्छी देता रकम मुंह पे मारता, बेटे को लेकर चलता बनता। हमारे समाज की ये उल्टी रीत सत्य सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ। श्री रामचरितमानस का बाल कांड पढ़िए, धनुष भंग हुआ, राजा जनक जी ने दशरथ जी के पास संदेशा भेजा, महाराज आओ, स्वयंवर की शर्तें पूरी हो चुकी है, शादी की शर्तें पूरी करो, शादी की औपचारिकताएं पूरी करो। राम जैसे बेटे के पिता राजा दशरथ जब जनकपुरी पहुंचे तो भरे दरबार में सारे दरबारियों के सामने राजा दशरथ ने अपनी झोली जनक जी के आगे फैलाई और कहा, महाराज मेरे बच्चों को अगर योग्य समझो तो अपनी बाकी बेटियों का दान भी मेरी झोली में डालो। ये है हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म। आज बेटियां मारी जा रही हैं, बेटियां जलाई जा रही हैं, जिम्मेदार हम, क्योंकि हम अपना धर्म भूल चुके, हम रामचरितमानस का संदेश भूल चुके। आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा, किसी रिश्तेदार को कल आई चलो अंदर ले आओ, रीत रिवाज पूरे करा के भगा देंगे, और जब वो रिश्तेदार दरवाजे पे पहुंचा है तो मिलनी हो रही है, देखिए मिलाई हो रही है। और मेरा मुरली वाला मिलनी कर रहा है, जेब से सोने की गिन्नी निकाल करके सांवरे ने हाथ में रख दी। रिश्तेदार ने जब सोने की गिन्नी देखी तो चर्चा हो गई, चलो मिलनी अच्छी मिल रही है, रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई भाई। गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया कि मेरी भी मिलनी करो। कन्हैया ने सोचा किसकी किसकी मिलनी होगी, मेरे सामने ने लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी अंजार शहर के लोग 8 प्रहर जो कुछ मांगे इनको दे दो। बोल सच्चे दरबार जय। 56 करोड़ के हीरे मोती सामरा लाया है, भामा रुक्मण जैसी भाभियों ने मायरे की चुनरी उड़ाई है, 8 पहर लक्ष्मी बरसी है, इसीलिए कहता हूं नानी बाई से श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई से श्रद्धा नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिल सी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिल सी चिंता से मुक्ति, रबिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नू पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, सांवल वीरो लासी मायरो उबाई के रो, सांवल वीरो लासी मायरो। अगर भजन अच्छा लगा हो, मुझे मालूम है आप बोर हो गए होंगे लेक्चर सुन सुन के, फिर भी अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो हाथ ऊपर करके एक वादा करना, बाबा के दरबार से जाते हुए तालियां बजा करके और मिलके कहना आखिरी लाइन है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो 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 है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो मेरो Hey!
इतनी सेवा स्वीकार करें। तबीयत बहुत खराब है, फिर भी जो कुछ भी टूटा फूटा बन पड़ा ठाकुर के चरणों में समर्पित किया है। क्षमा प्रार्थी हूँ भाई संजय मित्तल जी से, थोड़ा सा वक्त उनका भी लिया। आप सारे भक्तों का बहुत बहुत आभार जो इतनी ठंड में इतनी देर तक आपने आशीर्वाद दिया, बड़े प्यार से मुझे सुना। आप सारे भक्तों का बहुत आभार, पानीपत के श्याम प्रेमियों का बहुत बहुत आभार। बोल सच्चे दरबार की, बोलिए खाटू नरेश की। ये मधुर आवाज थी खलीलाबाद से। हमारे बीच आए भैया हरमिंदर सिंह जी रोमी की। हमारे बीच कलकत्ता वेस्ट बंगाल से भाई संजय जी मित्तल आ चुके हैं। कुछ ही समय बाद वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। सभी श्याम प्रेमियों से अनुरोध है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। अभी कार्यक्रम अभी भजनों की अमृत वर्षा और होगी, आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अनुरोध श्री कुलदीप जी सिंगला और श्री महावीर जी बंसल से, दास्तान मित्र मंडल की ओर से भाई हरमंदर सिंह जी रोमी को प्रतीक चिन्ह व प्रसाद देकर सम्मानित करें। अनुरोध कलकत्ता से हमारे बीच आए भैया संजय जी मित्तल से, बाबा के दरबार में आए और हाजिरी लगाए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई हरमिंदर सिंह जी रोमी का। सभी श्याम प्रेमियों से अनुरोध है कृपया अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। चौदह मार्च 2010 को ओली फैमिली की ओर से गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया जाएगा जो हर वर्ष हुड्डा में होता है। कोई भी जरूरतमंद अपनी गरीब कन्या की शादी करवाना चाहता हो तो भाई अजय जी अग्रवाल से संपर्क करें। बोलिए खाटू नरेश की। मनीष भैया से हमारे बीच आए भैया संजय मित्तल। सभी श्याम प्रेमियों से अनुरोध है कृपया आरती के बाद भंडारे का प्रसाद जरूर लेके जाएं। बोले खाटू नरेश की, लखदातार की। इतना ठंडा नहीं मौसम, इतना ठंडा नहीं है। अभी उठाइए दोनों हाथ, देखिए यदि किसी को लल्ला सुनना है पगली सुनना है तो हाथ उठा के तालियां बजानी पड़ेगी एक बार, नहीं तो संजय भैया नहीं सुनाने वाले। उठा के दोनों हाथ और जोरदार तालियां बजा के और 11 बार, अरे अभी तो सुन लो भाई, फिर 21 बार हो जाएगी तालियां। उठाइए दोनों हाथ और जोरदार तालियां बजा के जय 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 बोलना है और बोलते रहना है। बोले लखदातार की जय जय जय।
त्वमेव बंधु चसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए हारे के सहारे की। पानीपत के इतने श्याम प्रेमी यहां इकट्ठे हैं और मुझे आपकी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है वैसा जयकार लगाएं। अब ये तो आप पर निर्भर है कि आपकी कितनी क्षमता है। आइए बोल हारे के सहारे की। आइए, कलयुग का देव हारे का सहारा भगवान कृष्ण से वरदान प्राप्त बाबा श्याम, जिनको कृष्ण का नाम मिला और कलयुग में जो सारी दुनिया से हार कर इनकी शरण में आया उसका ये बन गया और ये उसका बन गया। आइए ऐसे बाबा के लिए सभी मिलकर मेरा निवेदन, सब मिलकर मेरे साथ गाएंगे। खाटू वाला जी सर, जी सर। खाटू वाला, खाटू वाला ओली ले घोड़े वाला। बोलिए खाटू वाला ओली ले घोड़े वाला, कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम और घर घर करे उजाला उजाला। खाटू वाला ओली ले घोड़े। मुझे ये नहीं पता कि यह भजन कितने बरस पुराना है, मुझे ये नहीं पता कि ये भजन कितने बरस पुराना है, 30 बरस 35 बरस 40 बरस, लेकिन इतना जरूर पता है आज तो हर 11 को, हर महीने की सुदी 11 को सारी रात मंदिर खुलता है, लेकिन आज से 25 साल 30 साल पहले फागुन की एकादशी को भी रात भर मंदिर नहीं खुलता था। 10 बजे जब पर्दा आता था बाबा का और आलू सिंह जी महाराज बाबा के मंड के बाहर खड़े होकर कीर्तन करते थे और जब ये भजन गाते थे कि खाटू वाला और लीले घोड़े वाला, तो साक्षात बाबा लीले पर सवार होता था और जितने भक्त दरबार में बैठे होते थे किसी न किसी का काम जरूर बनता था। तो आइए अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी श्याम प्रेमी का काम बन जाए तो मेरे साथ मिलकर, हो सके तो हाथ उठाकर, पूरे पूरे हाथ उठा लेना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना क्या। खाटू वाला ओली ले घोड़े वाला, खाटू वाला ओली ले घोड़े वाला, और कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला उजाला। खाटू उसके बाद कोई माइक में नहीं गाएगा, जोरदार आवाज में गाना, देखना
किसी दिन आमना सामना बाबा से होगा और जो मांगोगे वो मिलेगा। तालियां बजा कर ये पीछे वाले बाबा से कहना, बाबा मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। बोलो मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा। पापों का मेरे नाश करो तुम, पापों का नाश करो तुम, बन करके रखवारा। अब बताओ 100 करोड़ 1000 करोड़ इससे ज्यादा मायने रखते हैं या ये मायने ज्यादा रखता है? अगर मन मंदिर में वास हो गया भगवान का तो मैं समझता हूं अंबानी आपसे नीचे है, आप अंबानी से ऊपर हो। पूरे हाथ उठाकर पूरा पूरे मस्ती में झूमते हुए खटवाला जिसके चरण धोते हैं, विदा करते हैं घर से बिलख कर रोते हैं, वो जग में काम महान करते हैं, जो घर से कन्या का दान करते हैं। थोड़ा विषय को परिवर्तित कर रहा हूं, 5 मिनट का समय और, कि हमारे देश में हमारे धर्म में जहां कन्या मां भगवती के रूप में पूजी जाती हो, आज उस देश की विडंबना है, उसका दुर्भाग्य है कि जहां बेटियां भगवती के रूप में पूजी जाती हो, आज वहां कन्याओं को जन्म लेने से रोका जा रहा है, बेटियां कोख में मारी जा रही हैं। मेरी इतनी माताएं बहनें यहां दरबार में मौजूद हैं, एक सवाल आपके पास है, घर जाके सालव करना, सोचना कि कोख में पल रही भगवती रूपी कन्या को मार के हम उस भगवती के दरवाजे पर किस मुंह से बेटा मांगने जाते हैं? क्या यह संभव है? कतई संभव नहीं। कोख में बच्ची जब मरती है तो हाथ जोड़ के रो के कहती होगी अपनी मां से कि मां मत मारो मेरी मां, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी मां, कोख में मत मारो। मैं भी तेरे जैसी हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी मां, कोख में मत मारो, मत मारो।
गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगी, मैं मर गई तो भैया को राखी किससे बंधवाओगे। और सोच, दुनिया की सारी माताएं तेरी जैसी निष्ठुर हो जाएं तो क्या होगा, तू भाई भी पैदा कर लेगी तो क्या होगा। मेरी जैसी मार दी जाए बहू कहाँ से लाओगी, मेरी जैसी मार दी जाए बहू कहाँ से लाओगे। और कब तक ढोंग करोगी नवरात्रों में, सोच, नवरात्रों में कन्या पूजन कौन समूह ले जाओगी, नवरात्रों में कन्या पूजन कौन समूह ले जाओगी। मैं भी तेरे जैसी हूँ, कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो, मत मारो मेरी माँ कोख में मत मारो। पुरुष प्रधान समाज, बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे, पल जाती हैं बेटियां, मगर पढ़ाए जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटे, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, आसमान पर धकेले जाते हैं बेटे, मगर कल्पना चावला जैसी चढ़ जाती हैं बेटियां। ये बेटियां बोझ नहीं, एक बात कह करके जा रहा हूं, सरकारी आंकड़े हरियाणा और पंजाब को सबसे बुरा मान रहे हैं आज, जहां भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा है, जहां बेटियों का दर जन्म दर बहुत कम है। इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, मैं बार बार ये बात कह करके जाता हूं कि ये जागरण, ये बाबा का दरबार तब सफल होगा। मैं आपको, अपने आप को तब जागरण के काबिल मानूंगा, जागृत हुआ मानूंगा, जब आपके हमारे समाज में से कोई भी एक बच्ची कोख में मरने से बचा ली जाए। एक भी बच्ची अगर कोख में मरने से बच जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे बाबा का आशीर्वाद आपके घर आपके साथ चला जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। जिस घर में एक भी बेटी बिना दहेज के शादी के आ जाए तो सोचना, मेरा बाबा शाम उसके दरवाजे पर स्वयं बैठा है और 56 करोड़ के हीरे मोती लुटा रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। आज कन्हैया को डांट पड़ने लगी है, नरसी डांट रहे हैं कि जा। कान्हा आए देरी से आए, देरी से आए तो काहे को आए, बिन मां की बेटी बड़ी लजाई, मरने गई थी वो मर भी न पाई। जा कन्हैया जा, उठा के ले जा तू अपनी गठरी, अब तेरी मेरी खाए ना पटरी। कन्हैया सुनते रहे सर को झुकाए, देरी से आने का कारण बताए। कहने लगे, भामा रुक्मण को लेने गया। और आज देखिए, कल्पना करिए कि जिस नानी के कोई भाई नहीं है, मेरा बंसरी वाला भाई बन के आया है, 56 करोड़ के हीरे मोती सांवरा साथ में लाया है। और जब नरसी कन्हैया को डांटने लगे तो नानी हाथ जोड़ करके अपने पिता के सामने खड़ी हो गई, एक अच्छी बहन की तरह। कहने लगी, बाबा एक बात बताओ, मेरा भाई किसके दरवाजे पर आया है। नरसी ने कहा, बेटी तेरे। तो नानी ने बोला, पहली बार मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आया है, अगर देरी से आया है तो झगड़ा तो भाई बहन को करना चाहिए, आप बीच में क्यों बोलते हो, चलो भात का मुहूर्त बीत जाएगा। कल्पना करना प्रेमियों, जिस नानी के कोई भाई नहीं, मेरा बंसरी वाला भाई बन के आया है, 56 करोड़ के हीरे मोती लाया है,
मायरे की चुनरी भामा रुकमण जैसी भाभियां सजा रही हैं, आगे आगे नानी, पीछे पीछे भात भरने वाले। नानी गांव वालों से कहती, गांव वालों देखो, ताने मारते थे, आज कौन आया है? आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई। अज नाचे नानी माई, अज नाचे नानी माई। जरा हाथ ऊपर करिए, भात भरने चलते नानी का, ताली बजा करके। आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई, आयो आयो रे धर्म को भाई। वो है अलबेला मदनेनो वाला, वो है अलबेला मदनेनो वाला, जिसकी दीवानी रज की हल वाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। ऐसे नहीं, जितने भी भगत दरबार में हाथ ऊपर करने, भात भरने नानी का चलना है, और तालियां बजा के कहना, अरे वो है अलबेला मदनेनो वाला, वो है अलबेला मदनेनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हल वाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, आयो आयो रे धर्म को भाई, मेरो आयो रे धर्म को भाई, अज नाचे नानी बाई, अज नाचे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई, अज झूमे नानी बाई। आयो आयो रे धर्म को, आयो आयो रे धर्म को भाई। प्रेमियों, भात भरने वाले नानी के दरवाजे पहुंच गए, लेकिन कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा है। गरीब बेटी का बाप आए, स्वागत कौन करे? ये भी हमारे समाज की उल्टी रीत। हम कन्यादान सबसे बड़ा दान मानते हैं, लेकिन कन्यादान देने वाले को बड़ा नहीं मानते। हमारी उल्टी सोच। बेटे का बाप बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर के अकड़ के बात करता है, कहता है कन्यादान तो चाहिए, लेकिन लगाओगे क्या? संबंध कितने में फाइनल किया जाए? लानत है ऐसे बाप पर जिसने बेटा पैदा किया और बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर के रकम की मांग कर रहा है, लगाओगे क्या? इससे अच्छा होता बेटे को बिग बाजार में खड़ा कर देते, डिस्काउंट में बिक जाता। जो रकम अच्छी देता, रकम मुंह पे मारता, बेटे को लेकर चलता बनता। हमारे समाज की यह उल्टी रीत सत्य सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ। श्री रामचरितमानस का बाल कांड पढ़िए। धनुष भंग हुआ, राजा जनक जी ने दशरथ जी के पास संदेशा भेजा, महाराज आओ, स्वयंवर की शर्तें पूरी हो चुकी हैं, शादी की शर्तें पूरी करो, शादी की औपचारिकताएं पूरी करो। राम जैसे बेटे के पिता राजा दशरथ जब जनकपुरी पहुंचे तो भरे दरबार में सारे दरबारियों के सामने राजा दशरथ ने अपनी झोली जनक जी के आगे फैलाई और कहा, महाराज मेरे बच्चों को अगर योग्य समझो तो अपनी बाकी बेटियों का दान भी मेरी झोली में डालो। यह है हमारा सत्य सनातन हिंदू धर्म। आज बेटियां मारी जा रही हैं, बेटियां जलाई जा रही हैं, जिम्मेदार हम, क्योंकि हम अपना धर्म भूल चुके, हम रामचरितमानस का संदेश भूल चुके। आज नानी के दरवाजे कोई स्वागत के लिए नहीं खड़ा। किसी रिश्तेदार को कल आई, चलो अंदर ले आओ, रीति रिवाज पूरे करा के भगा देंगे। और जब वो रिश्तेदार दरवाजे पे पहुंचा है तो मिलनी हो रही है, देखे मिलाई हो रही है। और मेरा मुरली वाला मिलनी कर रहा है, जेब से सोने की गिन्नी निकाल करके सामरे ने हाथ में रख दी। रिश्तेदार ने जब सोने की गिन्नी देखी तो चर्चा हो गई, चलो मिलनी अच्छी मिल रही है। रिश्तेदारों की संख्या बढ़ गई भाई, गांव का चौकीदार भी रिश्तेदार बन के खड़ा हो गया कि मेरी भी मिलनी करो। कन्हैया ने सोचा किसकी किसकी मिलनी होगी, मेरे सामने ने लक्ष्मी को आदेश दिया, हे लक्ष्मी अंजार शहर के लोग 8 प्रहर जो कुछ मांगे इनको दे दो। बोल सच्चे दरबार जय। 56 करोड़ के हीरे मोती सांवरा लाया है, भामा रुकमण जैसी भाभियों ने मायरे की चुनरी उड़ाई है, 8 पहर लक्ष्मी बरसी है। इसीलिए कहता हूं
नानी बाई से श्रद्धा नरसी सी भक्ति, नानी बाई से श्रद्धा नरसी सी भक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, करके थे देखो मिलसी चिंता से मुक्ति, रबिनु पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, बिन्नु पक्को है जीने सांवरिया पे विश्वास, सावल वीरो लासी मायरो उबाई तेरो, सावल वीरो लासी मायरो। अगर भजन अच्छा लगा हो, मुझे मालूम है आप बोर हो गए होंगे लेक्चर सुन सुन के, फिर भी अगर कोई भी बात अच्छी लगी हो तो हाथ ऊपर करके एक वादा करना बाबा के दरबार से जाते हुए, तालियां बजा करके और मिलके कहना आखिरी लाइन है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो 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 है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरो बांके श्रीमन नारायण।